So, hey guys, मैंने आज इंस्टॉल कर लिया है MIUI 20.5.29 बीटा ROM मेरे K20 Pro में एंड काफी सारे फीचर्स मेरे को न्यू देखने को मिल चुके हैं इस ROM के साथ। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं टॉप 6 फीचर एंड चेंजेस जो मेरे को इस ROM में देखने को मिले हैं एंड जो हमें इनिशियली MIUI 12 के ROM में देखने को नहीं मिलते थे। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं वीडियो। गाइस एकदम से फर्स्ट जो चेंज हमें देखने को मिल जाता है वो है रिगार्डिंग द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो चुका है जिसका नाम है पार्शियल स्क्रीनशॉट। आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के किसी भी पोर्शन में कुछ भी एक हिस्सा क्रॉप करके वैसा ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको तो पता ही होगा कि Xiaomi में आप अगर 3 फिंगर को ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट का सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये जो 3 फिंगर है वो यहाँ पे टच करने पड़ेंगे। तो ये रहा, ऐसे तो हो गया इसका नॉर्मल स्क्रीनशॉट। अब अगर आप टच करके कुछ देर होल्ड करके रखें तो आप देख सकते हैं ये रहा एक न्यू सा विंडो खुल गया। आप यहाँ पे आइदर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल कैप्चर कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सर्कल कैप्चर कर सकते हैं, या आप चाहे तो फ्री साइज आप कुछ भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पोर्शन हो जाएगा स्क्रीनशॉट। तो ये काफी एक निफ्टी फीचर है जो ऐड हो चुका है इस अपडेट के साथ। तो आप देख सकते हैं ये रहा इतना सा मैं ले लिया स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट ओवर में जाके अगर मैं फिर से यहाँ पे सर्कल किया या ओवल तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर से अगर मैं स्टार्ट ओवर करके यहाँ पे कुछ भी एक शेप कर लिया तो यहाँ पे वैसा भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फीचर। तो गाइस नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिगार्डिंग द साउंड असिस्टेंट। तो हम लोग देख लेते हैं ये ऑप्शन ऐड हो चुका है हम लोग के साउंड्स मेन्यू में। तो यहाँ पे अगर हम लोग आज है साउंड्स एंड वाइब्रेशन में तो आपको एक मेन्यू देखने को मिल जाएगा, वो है साउंड असिस्टेंट। साउंड असिस्टेंट में आप अगर एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स एंड मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस, ये जो ऑप्शन है इन दोनों को अगर आप ऑन कर लें तो आपको हर एक मीडिया कंज्यूमिंग ऐप में आपको एक अलग से म्यूजिक चेंज करने का या वॉल्यूम पैनल प्रोवाइडेड मिल जाएगा। मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं, जैसे ये मैंने कर लिया ऑन तो आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा ये रहा, इसमें अगर आप क्लिक कर ले तो ये रहा और एक साउंड पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप सिस्टम ऐप को या सिस्टम साउंड पैनल को यहाँ पे अगर चेंज भी करेंगे तो पर्टिकुलरली इस ऐप में साउंड चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा सिर्फ अगर आप उस सेकेंडरी पैनल को चेंज करेंगे तभी। तो ये भी जो फीचर है वो ऐड हो चुका है इसी अपडेट में। नेक्स्ट फीचर है रिगार्डिंग द वीडियो टूल बॉक्स। तो ये फीचर मुझे लगता है आप सभी में से काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि ये MIUI 12 के लॉन्च के साथ साथ ही ऐड हो चुका था, जहाँ पे हम लोग स्पेशल फीचर्स में एक ऑप्शन देख सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स। तो वीडियो टूल बॉक्स में एक मेन्यू जो है वो ऐड हो चुका है, वो है मैनेज वीडियो ऐप्स। यहाँ पे एक्चुअली आप किसी भी ऐप में, जिस ऐप में आप चाहते हैं कि वीडियो टूल बॉक्स अपीयर हो, आप उस ऐप को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सिलेक्ट कर ले यहाँ पे यूट्यूब, तो यूट्यूब अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे तो मैं अपना ही कोई अगर वीडियो चला लूँ यहाँ से YouTube स्टूडियो में जाकर, तो ये रहा। तो YouTube तो यहाँ से हो चुका है ऑन। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक छोटा सा आपको बार साइड में दिख जाएगा, इस बार को अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक अलग सा विंडो आपको दिख जाएगा, ये है वीडियो टूल बॉक्स का विंडो। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट कास्ट एंड प्ले वीडियो साउंड। प्ले वीडियो साउंड एक क्या ऑप्शन है, यहाँ पे एक्चुअली आपको वीडियो ऑफ हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो वीडियो का साउंड है वो प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में, तो ये है वो ऑप्शन। इसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल्स में जा सकते हैं जिसमें आप पिक्चर, जो आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रहा है उसे आप ट्वीक कर सकते हैं एंड उसके मोड्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग किसी एक को भी यहाँ पे ऑन कर ले तो वो एक्चुअली यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के हिसाब से ऑन हो जाएगा, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। फिर हम लोग ऐसे उससे हटा भी सकते हैं। तो ये और एक फीचर है जो ऐड हो चुका है इस अपडेट के साथ।
तो गाइस ये पर्टिकुलर फीचर एक्चुअली इस अपडेट के साथ में इसके पहले अपडेट के साथ शायद से ऐड हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिस्ट में रखा है क्योंकि एक्चुअली ये अपडेट भी हमें MIUI के लॉन्च के साथ देखने को नहीं मिला था, ये उसके बाद के अपडेट्स में ऐड हुआ है, तो मुझे लगा कि ये भी बता देना चाहिए आप सभी को। तो वो है रिगार्डिंग द कैमरा ऐप। तो कैमरा ऐप में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फीचर ऐड हो चुका है क्लोन। मैं आप सभी को एकदम शुरू से दिखा दे रहा हूँ, आप अगर यहाँ पे जाए तो आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाएगा क्लोन। क्लोन फीचर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे फोटो एंड वीडियो दोनों मोड ही रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो वो है कि एक ही फ्रेम में अगर आप पार्शियल करके 3 शॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लोन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करूँ तो मैं आप सभी को एक प्रीव्यू दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये काम करता है, एक फ्रेम है लेकिन 3 जगहों में शॉट होता है, तो आप देख सकते हैं ऐसे होता है क्लोनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम एक ही रहते हुए भी यहाँ पे एक ही पर्सन है, एक ही फ्रेम है, लेकिन पर्सन के मूवमेंट को 3 अलग अलग जगहों में कैप्चर किए जा रहे हैं। तो ऐसे काम करता है क्लोन ऐप। तो ये फीचर मुझे काफ़ी कूल लगा था। इसके बाद अगर बात कर ले और एक फीचर के बारे में, तो और एक फीचर ऐड जो हुआ है वो है रिगार्डिंग द शॉर्ट वीडियोज। शॉर्ट वीडियोज में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे हमें एक और एक मोड देखने को मिल जाएगा जो कि है कैलाइडोस्कोप मोड। कैलाइडोस्कोप मोड में आपको कैलाइडोस्कोपिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे कैमरा स्क्रीन में। तो ये भी एक फीचर है जो अपडेट के साथ बाद में ऐड हुआ है। अभी ये जो फीचर है ये है रिगार्डिंग द लॉन्चर। अब आप जानते होंगे कि पहले एकदम शुरू में MIUI 12 का जो लॉन्चर था, जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता था UI, वो काफ़ी ज़्यादा लैगी था, रिस्पॉन्सिव नहीं था, लेकिन अपडेट्स के साथ साथ जैसे इस अपडेट में अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है। 20.5.29 के अपडेट के साथ साथ ये जो लॉन्चर ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्विक हो चुका है एंड उतना कोई लैग भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन साथ में और एक फीचर जो है वो भी हमें चेंज देखने को मिलता है। नॉर्मली फीचर चेंज तो नहीं है लेकिन लेआउट जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग होम स्क्रीन में आ जाए तो होम स्क्रीन में हमें बस ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, क्लासिक या विद ऐप ड्रॉयर। तो यहां पे एक्चुअली लेआउट चेंज हो चुका है, अब ये दो ऑप्शन तो ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन स्पेसिफिक जो मेन्यू होता है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फीचर है वो भी ऐड हो चुका है 20.5.29 के अपडेट के साथ। तो गाइस फाइनली जो चेंज, मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है वो है रिगार्डिंग द टर्बो गेम मोड। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, अगर हम लोग कोई भी गेम को यहाँ पे ऑन कर ले तो रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पे मैंने देख से गेम टर्बो मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पे एक कोई भी गेम है तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं गेम टर्बो एक्चुअली ये कोई न्यू ऑप्शन तो है नहीं, काफ़ी दिनों से हम लोग गेम टर्बो को देख रहे हैं, लेकिन ये पैनल भी हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली स्क्रीन के मोड को चेंज कर पाएंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ब्राइट, एनहांस्ड, तो काफ़ी सारे मोड है जो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आएंगे या नहीं आएंगे वो भी यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो मेन फीचर है वो है ये ऑप्शन तो हमें देखने को काफ़ी मिल जाते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे और भी ऐप्स हमें देखने को अभी मिल जाते हैं जो हम लोग गेम के ऊपर फ्लोटिंग विंडो के हिसाब से ऑन कर पाएंगे। पहले इतने लंबा चौड़ा लिस्ट में देखने को नहीं मिलता था लेकिन अभी हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ अपना ट्विटर ऑन करना तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्विटर ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के हेल्प से। तो ये जो फीचर है ये भी ऐड हो चुका है इस अपडेट के साथ, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात मेरे को लगी। तो ये थे ओवरऑल जो जितने भी चेंजेस इस अपडेट के साथ आए हैं। तो होपफुली आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।